कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 6 बजे का टाइम है और अभी हम दोनों देवीलाल पार्क में घूमने के लिए आए हैं। और फ्रेंड्स, वैसे तो आज मुझे घर पर भी बहुत ही ज़्यादा काम है क्योंकि अमावस्या है, तो श्राद्ध भी निकालना है। आज श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे और अभी सामान भी बहुत सारा पैक करना है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 2 दिन बाद तो हम सोनीपत शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पार्क में फिर मैं इसके बाद कभी भी नहीं आ पाऊँगी, तो क्यों ना सब काम छोड़ के मैं पार्क में जाती हूँ और अपने साथ साथ आप सभी को भी मैं इस पार्क की सैर करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पार्क का एक राउंड पहले लगा लेते हैं क्योंकि ये पार्क बहुत ही बड़ा है। यहाँ आसपास जितने भी पार्क हैं उन सब में ये सबसे बड़ा पार्क है। जब इसका एक राउंड लगाते हैं वो हमारे से 15 से 20 मिनट में पूरा होता है, जबकि हम पैदल थोड़ी सी स्पीड में चलते हैं तब जाके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्क की सैर कर लेते हैं और एक राउंड इसका लगा लेते हैं। इसके बाद तो फिर अगर इस पार्क को देखना होगा तो आपको भी और मुझे भी सिर्फ वीडियो में ही देखना होगा। यहाँ मैं फिर कभी भी नहीं आ पाऊँगी, तो अंतिम बार यहाँ की सैर कर लेते हैं, इस पार्क का एक राउंड लगा लेते हैं। से पार्क का एक राउंड कंप्लीट हो गया है और ये तो वैसे बोल रहे हैं कि चलो एक राउंड और लगा लेते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया है क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, से अब की बार मैं बुखार से उठी हूँ तो कुछ ज़्यादा ही वीकनेस महसूस कर रही हूँ। थोड़ी सी पैदल चल लेती हूँ या थोड़ा सा काम कर लेती हूँ तो बहुत ही जल्दी थक जाती हूँ। पहले मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है और तब कहीं जाके मैं दूसरा काम कर पाती हूँ, वरना मैं इस पार्क के 2 राउंड आराम से कंप्लीट कर लेती थी और मुझे थकावट भी बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन आज तो एक ही राउंड में मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गए हैं, तो मैंने इनसे कहा कि अगर आपको दूसरा राउंड कंप्लीट करना हो तो आप कर लीजिए, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आप सबको मैं इस पार्क का धीरे धीरे करके पूरा व्यू दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ आसपास जितने भी पार्क हैं उन सब में ये पार्क सबसे सुंदर और सबसे बड़ा है। इस पार्क को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने पिता श्री चौधरी देवीलाल जी की याद में बनवाया था। और फ्रेंड्स, जब ये पार्क बनवाया गया था तब तो ये और भी सुंदर था क्योंकि उस टाइम पे इसमें अलग अलग तरह की लाइटें लगवाई गई थी और बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें फुहारे चलते थे, जिससे इस पार्क का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता था। लेकिन आज के टाइम पे जितनी भी लाइटें हैं वो सब तोड़ दी गई हैं, जितने भी फुहारे हैं वो सब बंद पड़े हैं, सब खराब हो गए हैं। क्योंकि जिसकी सरकार होती है वो तो उस चीज़ पे ध्यान भी देता है, दूसरा कोई भी ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आते हैं उन्हीं लोगों ने यहाँ की लाइटें, यहाँ की फुहारे सब तोड़ दिए हैं। लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि ये सब हमारे लिए ही है, अगर यहाँ की सुंदरता ज़्यादा होगी तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन लोगों ने इसे तोड़ दिया गया है। और फिर भी इस पार्क की सुंदरता देखते ही बनती है, बहुत ही ज़्यादा इसमें हरियाली है और अभी जो है घास पे बहुत ही ज़्यादा ओस गिरी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे करके और यहाँ घास पे घूम लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह नंगे पैर घास पे घूमने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है। तो ये अभी यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे तो मैंने कहा कि मैं ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर पाऊँगी, हल्की फुल्की कर पाऊँगी, जब आप हल्की फुल्की वाली करोगे तो मैं आपके साथ कर लूँगी, तब तक मैं यहाँ घास पर पैदल घूम लेती हूँ और आप अपनी एक्सरसाइज कर लीजिएगा क्योंकि आज मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके साथ साथ सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर घूम लेती हूँ और फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज योगा वगैरह भी करनी है, तो मेरे साथ साथ आप भी पार्क में घूम लीजिए, इंजॉय कर लीजिए। फ्रेंड्स, चलिए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की योगा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। वैसे जब भी मैं इनके साथ पार्क में आती थी तो जितनी एक्सरसाइज ये करते थे उतनी ही इनके साथ मैं कर लेती थी, लेकिन आज मेरा शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, तो जितने भी मुश्किल वाली एक्सरसाइज थी वो मैंने नहीं की हैं, वो इन्होंने अकेले ही कम्प्लीट की हैं।
तो अब ये कहने लगे कि चलो अब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज बची हैं वो मेरे साथ तुम भी कर लो। पार्क में आने का तो तभी फ़ायदा है जब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, यहाँ थोड़ी बहुत रहें, घूमना फिरना करें, तभी यहाँ आकर कोई फ़ायदा है, वरना तो घर पे ही ठीक है। तो चलिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स जो एक्सरसाइज हम 5 मिनट के लिए करते थे आज मैंने वो सिर्फ 2-2 मिनट में ही कंप्लीट करवा दी हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ और मेरी तो सांस फूलने लग जाती है, आज मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। और वैसे मेरी आजकल नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि देर रात तक काम करना पड़ता है, फिर सुबह जल्दी उठ के काम करना पड़ता है, तो इस वजह से भी मेरी थकावट नहीं उतर पा रही है। और बुखार में थी तब भी मुझे काम करना पड़ा और बुखार से उठने के बाद भी अब की बार मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है, क्योंकि मकान को भी साथ के साथ शिफ्ट करना है तो इतना सारा सामान पैक करना है, तो इस चक्कर में मैं आराम नहीं कर पाती हूँ और यही कारण है कि मैं इतनी जल्दी थक जाती हूँ। वरना बुखार से उठने के बाद अगर 2-4 दिन भी मुझे रेस्ट मिल जाता तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाती, लेकिन अब ये है कि बुखार तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है लेकिन थक जाती हूँ बहुत ही जल्दी। और जब तक मकान शिफ्ट नहीं होगा, सामान वहाँ पे जाके अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा, तब तक मेरे को लगता है मैं रेस्ट कर ही नहीं पाऊँगी। तो चलिए बाकी की जो योगा एक्सरसाइज बची हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट बार इस पार्क में हमने सैर कर ली है, यहाँ पर योगा एक्सरसाइज कर लिया है, क्योंकि आज के बाद तो इस पार्क में मैं नहीं आ पाऊँगी। आज आखिरी बार मैं इस पार्क में घूमने के लिए आई हूँ और मेरे साथ साथ आप सबने भी यहाँ की हरियाली में एंजॉय किया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब घर चलते हैं क्योंकि आज अमावस्या है, तो सबसे पहले तो घर जाके मैं नहाऊँगी, फिर खीर बनानी है, खाना वाना बनाऊंगी और आज श्राद्ध भी ख़त्म होने जा रहे हैं, तो चलिए अभी घर चलते हैं। फ्रेंड्स ये पार्क से आने के बाद सबसे पहले मैं नहा ली हूँ और अपने बालों में कंघी कर ली है, और आज मैं बालों की चोटी नहीं बनाऊंगी, जूड़ा बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और वैसे आधा सेप्टेम्बर चला गया है और गर्मी इतनी पड़ रही है जैसे मई जून में होती है, गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी मैं बालों का जूड़ा बना लूँगी और उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने जो है चावल को तो धो के और भिगो के रख दिया है, खीर बनने के लिए रखनी है, खाना वाना बनाऊँगी तो श्राद्ध भी निकालना है, तो बालों में कंघी कर लेती हूँ और चलिए फिर किचन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया था और इस टाइम दूध अच्छे से बॉयल हो गया है, तो चावल मैंने पहले ही धो के और भिगो के रख दिए थे, तो चावल इस टाइम अच्छे से फूल चुके हैं और दूध भी बॉयल हो चुका है, तो चावल मैं इसमें डाल देती हूँ और गैस का जो फ्लेम है वो अभी मैं हाई रखूँगी क्योंकि आज मैंने बड़े वाले पतीले में खीर बनने के लिए रखी है, तो साथ के साथ मैं यहाँ पर चलाती रहूँगी। और अभी मैं पहले चीनी साफ़ करके रख देती हूँ क्योंकि चीनी देखने में चाहे कितनी भी साफ़ क्यों ना हो इसमें छोटा मोटा तिनका ज़रूर मिल जाता है, तो मैं तो हमेशा जब खीर बनाती हूँ तो पहले चीनी को साफ़ करके रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने खीर बनने के लिए रख दी है, चीनी भी मैंने साफ़ करके रख दी है और अब यहीं पे खड़े होके और साथ के साथ मैं सब्ज़ी काट लूँगी। सब्ज़ी आज मैं घिया की बनाऊँगी तो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी,
और फ्रेंड्स ये यहीं पे खड़े होकर सब्ज़ी इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मैंने गैस का जो फ्लेम है वो फुल किया हुआ है, तो ऐसे में खीर निकलने का डर रहता है। तो मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी और बीच बीच में खीर को चलाती रहूँगी, तो फिर धीरे धीरे करके मेरी खीर भी बन जाएगी और फिर दूसरे चूल्हे पर मैं सब्ज़ी बनने के लिए रख दूँगी। सब्ज़ी बनेगी, खीर बनेगी, तब तक साथ के साथ मैं आटा भी लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स ये खीर बन गई है, सब्जी बनके तैयार हो गई है और अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहले वाली दो रोटी बना के और उनमें खीर रख के गाय माता के लिए निकाल दूँगी। और फ्रेंड्स ये आज अमावस्या है, श्राद्ध ख़त्म हो गए हैं। वैसे तो श्राद्ध ख़त्म होते हैं तो नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब की बार दो आसोज के महीने हैं, तो इस महीने में श्राद्ध आए हैं और अगले महीने में नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो अभी मैंने दो रोटी गाय माता के लिए निकाल दी हैं। तो फ्रेंड्स ये आप सब भी आजिए, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनी हुई है, घिया की सब्ज़ी है और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। और बाकी सबकी खीर मैंने थालियों में डाल के रखी हुई है और अभी फटाफट रोटी बना के साथ खाना डाल के सबको दे दूँगी, तो फिर सब साथ के साथ खाना खा लेंगे। और फ्रेंड्स ये किचन के काम से फ्री होने के बाद जो मेरे बर्तनों के रैंक में एक्स्ट्रा बर्तन लगे हुए हैं ये सारे उतार के और आज मुझे साफ़ करने हैं। फिर जब ये सूख जाएंगे तो इनको मैं पैक करके रख दूँगी क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ा काम है। तो फ्रेंड्स ये आज की इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।